ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानंजनशलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। हरे कृष्ण। भगवद्गीता अध्याय 18 श्लोक संख्या 9। कार्यमित्येव यत्कर्म नियतं क्रियते अर्जुन संगत्यक्त्वा फलं चैव सत्यागः सात्विको मतः। हे अर्जुन, जब मनुष्य नियत कर्म कर्तव्य को करणीय मानकर करता है और समस्त भौतिक संगति तथा फल की आसक्ति को त्याग देता है तो उसका त्याग सात्विक कहलाता है। तो इसके पहले हमने सुना कि त्याग कौन सा त्याग राजसी है, कौन सा त्याग तमोगुणी है, तामसी है। अब भगवान बता रहे हैं कौन सा त्याग सात्विक है, यानी कि बेहतर है। ऐसा त्याग करने का हमें प्रयास करना चाहिए। यदि हमें त्याग करना ही है, क्योंकि हम सुनते हैं कि त्याग तो करना ही चाहिए, क्योंकि भक्ति का जो सुनते हैं ना, ज्ञान और वैराग्य भक्ति के दो पुत्र हैं, यानी कि भक्ति होती है तो ये दो पुत्रों की उत्पत्ति होनी चाहिए, ज्ञान और वैराग्य। लेकिन इस वैराग्य को ही अर्जुन ने इस चैप्टर के प्रारंभ में पूछा था कि ये वैराग्य वास्तव में क्या है, संन्यास क्या है, वैराग्य क्या है। अब जो भगवान यहाँ पर बता रहे हैं कि वास्तविक त्याग क्या है, कैसा होना चाहिए त्याग को, ये अब बताया जा रहा है। तो जब मनुष्य नियत कर्तव्य को करणीय मानकर करता है, इसके पहले हमने चर्चा करी कि नियत कर्म वो होते हैं जो शास्त्रों द्वारा बताए जाते हैं, जो गुरु परंपरा द्वारा समझाए जाते हैं, इनको कहते हैं नियत कर्तव्य। किसी भी कार्य को आप कर्तव्य नहीं मान सकते, जैसा कि आजकल माना जा रहा है कि ये मेरा कर्तव्य है, ये मेरा कर्तव्य है। हर किसी ने अपना कर्तव्य को अज्यूम कर लिया है कि ये मेरा कर्तव्य है। तो यहाँ हम बताया, यहाँ एक स्पेशल वर्ड जो बार बार यूज़ हो रहा है वो नियत है, यानी कि प्रेस्क्राइब्ड ड्यूटीज़। इसको प्रेस्क्राइब्ड ड्यूटीज़ विच हैज़ बिन प्रेस्क्राइब्ड इन द वैदिक लिटरेचर शास्त्र एंड एक्सप्लेन बाई द गुरु परम्परा, उसको हम कहते हैं नियत कर्तव्य। इसके हम पर हम काफ़ी चर्चा कर चुके हैं कि कर्तव्य वास्तविकता में क्या है। हमारे कर्तव्य शारीरिक रूप से भी कुछ कर्तव्य होते हैं, हमारे देह से संबंधित कर्तव्य, जिसमें कि कई रिश्ते नातों के प्रति हमारे कर्तव्य हैं, उसी देह के अंतर्गत देवी देवताओं के प्रति भी हमारे कर्तव्य रहते हैं, उसी देह के अंतर्गत कुछ राष्ट्र संबंधी कर्तव्य भी हमारे हो सकते हैं, जाति संबंधी कर्तव्य भी हमारे हो सकते हैं। इस प्रकार से देह से अनेक प्रकार के संबंध बनते हैं और उन संबंधों के अंतर्गत कई प्रकार के कर्तव्य बनते हैं। और कई बार बड़ा मुश्किल हो जाता है कि ये वाला कर्तव्य करें या करें। कई बार फॉर एग्जांपल एक सैनिक है जो देश के लिए लड़ने जा रहा है, लेकिन माता पिता कह रहे हैं तू हमारा इकलौता बेटा है, अब वो देश के लिए लड़ने जा रहा है। अब दो कर्तव्यों का कॉन्फ्लिक्ट हो गया यहाँ पर, देश के प्रति, माता पिता के प्रति। ऐसे कई बार बहुत इस प्रकार के देवी देवताओं के प्रति हैं, पत्नी के प्रति हैं, माँ बाप के प्रति हैं, बहुत सारे रिश्ते नाते हमारे देह से होते हैं और उसके अंदर कई सारे कर्तव्य होते हैं। लेकिन एक कर्तव्य होता है आत्मा का कर्तव्य, जो कि आत्मा परमात्मा से अभिन्न है, एक प्रकार से परमात्मा का अंश है। हाँ, परमात्मा का अंश है तो उसका कुछ परमात्मा के प्रति कुछ कर्तव्य है। वो कर्तव्य जो है वो देह के कर्तव्य से ऊंचा है। क्यों? क्योंकि देह बदलती रहती है और हर बार नई देह मिलती है, और हर बार नई देह मिलने के कारण नए प्रकार के कर्तव्य हो जाते हैं। नए राष्ट्र में हमारा जन्म हो जाता है, नए माता पिता की प्राप्ति हो जाती है, नई पत्नी, नए बच्चे पैदा हो जाते हैं, तो हमारे कर्तव्य बदल जाते हैं। लेकिन देह से अलग इस आत्मा का कर्तव्य वही बना रहता है, क्योंकि आत्मा भगवान का अंश है। इसलिए हर लिहाज में आत्मा के कर्तव्य को ज़्यादा इटर्नल ऊंचा माना जाता है एज कम्पेयर टू देह के कर्तव्य से। हो सकता है कि हम सारे कर्तव्यों को ना निभा पाएं, लेकिन हम ऐसा शास्त्र में सुनते हैं यदि पेड़ की जल में पानी डाल देते हैं तो सारी टहनियाँ सूनर और लेटर नरिश्ड हो जाती है। ऐसा नहीं है कि आपने जड़ में पानी डाला तुरंत पत्तों में पहुँच जाता है, लेकिन वो पत्तों में कहीं ना कहीं पहुँच ही जाता है। उसका एग्जाम्पल है कि पत्ते लटक जाते हैं और आप जड़ में पानी डालते हैं तो थोड़ी देर में पत्ते खड़े हो जाते हैं, थोड़ी देर लगती है उसमें। जड़ में तो तुरंत पानी गया, लेकिन पत्तों तक पहुंचने में थोड़ी देर लगती है ना। तो हम यही सुनते हैं कि जड़ में पानी डाला जाए तो अल्टीमेटली सब जगह पहुंच जाएगा। उसी तरह से सारे कर्तव्य पूरे ना होने के बावजूद यदि हम देह से अलग परमात्मा संबंधी
आत्मा संबंधी, आत्मा और भगवान का जो रिश्ता है उसके कर्तव्य यदि पूरे कर देते हैं तो सूनर और लेटर बाकी सारे कर्तव्य संतुष्ट हो जाते हैं, ऐसा हमें शास्त्र बोलते हैं। जिस नारद जी एग्जाम्पल देते हैं पेड़ में, जड़ में, पेड़ की जड़ में पानी डालने का या पेट में खाना डालने का, जिससे कि हाथ पैर सभी को ताकत मिल जाती है, उसी प्रकार यदि हम भगवान को संतुष्ट करते हैं तो सभी सारे कर्तव्य पूरे हो जाते हैं। इसके कारण कई बार ऐसा प्रतीत होता है कि हमने भगवान के संबंधित कर्तव्य तो पूरे कर दिए लेकिन बाकी कर्तव्य अधूरे रह गए, क्योंकि बहुत सारे हैं और कई बार कॉन्फ्लिक्टिंग है। लेकिन यहाँ समझने का बात यही है कि ऐसे में यही समझा जाए कि यदि हमने जड़ में पानी डाल दिया तो सब आज नहीं तो कल सबकी संतुष्टि हो ही जाएगी। तो जब मनुष्य नियत कर्तव्य को करणीय मान के करता है, इस प्रकार के कर्तव्य करता है, नियत, तो मैंने बार बार यही समझाया अभी कि ये नियत कर्तव्य कौन से हैं जो आत्मा से संबंधित है, देह से संबंधित, क्योंकि इसका पर्पस इस नियत का, देखो सारा का सारा वैदिक शास्त्र आत्मा को भगवान से मिलाने के लिए है। मिलाने का मतलब घुलन मिल मिलाने के लिए नहीं कि घुलनशील है या उसमें घुल जाएगा, मिलाने का मतलब है उनका आपस में भेंट होना, परस्पर संबंध होना, दास और स्वामी के संबंध को निभाना। इसको करने के लिए जो हम यहाँ पर भटक गए हैं, गिर गए हैं, इस संबंध को पुनः स्थापित करने के लिए सारा वैदिक शास्त्र बनाया गया है। एकमात्र कारण है, एकमात्र उद्देश्य ही है इसका। बिल्कुल भी ऐसा उद्देश्य नहीं है कि ऐसे स्वस्थ रहा जाए, कैसे धन कमाया जाए, कैसे संसार में कर्म कांड करे जाएँ, ऐसा बिल्कुल भी इसका प्रबल नहीं है। इसलिए इसके अंदर जो कर्तव्य निर्दिष्ट हैं, नियत हैं, वो भगवान से संबंधित ही हैं। आत्मा और भगवान परमात्मा से संबंधित कर्तव्य ही हैं, तो वो कर्तव्यों करने के लिए जब नियत कर्तव्य बोला जाए तो पहली बात तो मोटा मोटा तो समझ में ही आना चाहिए ये आत्मा और परमात्मा के बारे में है। लेकिन इसका एक और एंगल ये है, पहलू ये है कि ये गुरु आचार्यों द्वारा समझाए जाते हैं। वो बताते हैं कि इसको करने के लिए, इन कर्तव्यों करने के लिए आपको ये कार्य करने चाहिए, जो कि गुरु परंपरा में बड़ा क्लियर हो जाता है, क्योंकि गुरु परंपरा तो एक ही है ना। ऐसा नहीं है कि गुरु के गुरु कुछ और बोल रहे हैं, गुरु कुछ और बोल रहे हैं, उनके शिष्य कुछ और बोल रहे हैं, वो एक ही है। इसलिए बहुत ही जल्दी कोई अगर व्यक्ति परंपरा में रहे तो उसको समझ में आ जाएगा कि करना क्या है, और बिल्कुल समझ में एकदम क्लियर हो जाएगा, क्रिस्टल, बिल्कुल कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं दिखेगा उसको परंपरा में, क्योंकि एक ही मूड ऊपर से नीचे चला रहा है। तो ये आपको समझ में आ जाना चाहिए कि नियत कर्तव्य बहुत सिंपलिसिटी से, अगर सिंपलिस्टिक वे में बोला जाए तो वन द कर्तव्य, द ड्यूटीज़ जो कि गुरु परंपरा द्वारा कार्य बनाए गए हैं, एक कार्यक्रम बनाया गया है, एक शेड्यूल बनाया गया है, शेड्यूल ऑफ एक्टिविटीज़, वो हमारे लिए नियत कर्म है, बहुत ही सिंपल। हाँ, तो जब मनुष्य नियत कर्तव्य को करणीय मान के करता है, इस प्रकार से चीज़ों को करता है, इसके लिए उसको, अब आप कहेंगे जिनको जिन्होंने अभी तक शरण प्रॉपरली नहीं लिए गुरु परंपरा में, वो सोचेंगे तो हमारा क्या, कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है। गुरु परंपरा में शरण देने के लिए ऐसा नहीं कि आपको अपना मकान गिरवी रखना पड़ेगा पहले, हाँ, या आपको कुछ कमिटमेंट्स लेने पड़ेंगे। गुरु परंपरा में श्रवण बड़ा सिंपल है, श्रवण करते रहिए उसी परंपरा के अंतर्गत, श्रवण करते 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 आपके हृदय में शरणागति करने की इच्छा पैदा होगी। यदि नहीं हो रही है तो भी श्रवण में कोई समस्या है, शरणागति की नहीं यार अब बहुत हो गया, आई मस्ट डू समथिंग नाउ, हाँ मुझे कुछ करना चाहिए, मुझे इतने दिनों से इतना ज्ञान प्राप्त हो रहा है, इतना कुछ प्राप्त हो रहा है, अब इट्स टाइम टू रिटर्न बाई माई वाणी और कर्म, बुद्धि, मन, मनसा, वाचा, कर्मण, वट एवर, मुझे कुछ करना चाहिए। हाँ, तो इस प्रकार से बड़ा इजीली वो कुछ छोटी मोटी सेवाएं भी कर करके गुरु परंपरा में कुछ सेवा करता है, श्रवण करता है, और वो गुरु परंपरा में आ जाता है, उसको पता लग जाता है नियत कर्म क्या है। वेरी सिंपल, बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं। लेकिन जो मेंटल स्पेकुलेशन करता है, शास्त्रों से कुछ निकालने का प्रयास करता है, अपने दम पर कई सब करने का प्रयास करता है, वेरी सॉरी टू से बट वो इसको अचीव कर नहीं पाएगा, क्योंकि बहुत सारे बुद्धिमान लोगों ने ये निष्कर्ष निकाला है कि दिस इज़ नॉट द वे, ऐसे हम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ईश्वर संबंधी ज्ञान जो है वो बुद्धि से नहीं आता है, वो हृदय में प्रकाशित होता है बाय द परंपरा, इफ दे आर प्लीज बाय आवर सिंसियर एफर्ट्स। तो इसलिए जब मनुष्य नियत कर्तव्य को करणीय मान के करता है, इस प्रकार करता है कि यही करना चाहिए, और समस्त भौतिक संगति और फल की आसक्ति का त्याग कर देता है, समस्त भौतिक संगति और फल की आसक्ति। हाँ, तो जब हम संगति कह रहे हैं तो संगति का त्याग करता है, तो संगति या फल हमेशा जब भी चर्चा हो रही है त्यागने की, तो भौतिक फल और भौतिक संगति को चार त्याग करने की बात कर रहे हैं,
इसमें स्पिरिचुअल संगति को त्याग, स्पिरिचुअल फल की को त्यागने की बात नहीं कर रहे हैं। स्पिरिचुअल फल तो हमें चाहिए, हमें श्रवण में, हमें जप में, हमें कीर्तन में, हमें इन सब चीज़ों में, हमें भगवान की वर्शिप करने में फल चाहिए। क्या फल चाहिए? कि हमें इसमें आसक्ति चाहिए। भौतिक आसक्ति को त्यागना है, लिखा है भौतिक संगति को त्याग दो, लेकिन आध्यात्मिक संगति, आध्यात्मिक संगति के लिए आसक्ति पैदा होनी चाहिए। ठीक, समझ में आ रहा है? आध्यात्मिक संगति किसको कहते हैं? केवल दो वैष्णवों की मित्रता होना आध्यात्मिक संगति नहीं है। दो वैष्णवों का मित्रता के साथ साथ भगवान संबंधी, वैष्णव संबंधी चर्चाएं करना, वैष्णवों का गुणगान करना, ना कि उनकी निंदा करना, संगति है, नहीं तो वो कुसंगति है। उसके लिए बोल रहे हैं कि ऐसी भौतिक संगति को त्याग देना चाहिए। दिस इज द वर्डिक्ट ऑफ शास्त्र। जो ऐसा नहीं करेगा, भगवान बोलते हैं गीता में, जो शास्त्र की बात नहीं सुनता है उसको परम गति प्राप्त नहीं होती है, ना ही उसको शांति सुख प्राप्त होता है इस जीवन में भी। परम गति तो प्राप्त होगी नहीं, बाद में इस जीवन में भी वो सुखी नहीं रहेगा, लेकिन जो शास्त्र की बात मानेगा वो इस जीवन में भी सुखी रहेगा, प्रसन्नचित रहेगा और भगवान की परम गति को भी प्राप्त करेगा। और शास्त्र बता रहे हैं कि ऐसी संगति जो कि भौतिक है, तो मैंने बताया भौतिक संगति वो है जहाँ पर दो लोग भगवान संबंधी, वैष्णव संबंधी गुणगान चर्चाएँ नहीं कर रहे हैं, तो वो भौतिक संगति है, चाहे वो दो वैष्णवों की ही क्यों ना हो। हाँ, इस प्रकार की हर संगति को हमें त्याग देना चाहिए, इस प्रकार की हर फल की इस इच्छा को हमें त्याग देना चाहिए जो कि मैटीरियल है, भौतिक है। और जो स्पिरिचुअल है, कि गुरु की प्रसन्नता के लिए हम एक मंदिर बनाएंगे, गुरु की प्रसन्नता के लिए हम प्रचार को बढ़ाएंगे, गुरु की प्रसन्नता के लिए हम भक्तों को बढ़ाएंगे, गुरु की प्रसन्नता के लिए हम पुस्तकों का वितरण करेंगे, गुरु की प्रसन्नता के लिए हम भक्तों के संग में रहेंगे, कई बार अपमान को भी सहन करेंगे, कई बार नेगलेक्ट को भी सहन करेंगे, लेकिन प्रेम करते रहेंगे। सब क्यों करेंगे? क्योंकि भगवान और गुरु की प्रसन्नता इसलिए। इसी में ये जो फल की इच्छा है, ये फल की इच्छा स्पिरिचुअल फल की इच्छा है, इसकी इच्छा को करना चाहिए। इसलिए बड़ा क्लियरली यहाँ बताया गया भौतिक संगति तथा फल की आसक्ति को त्यागता है। तो दो चीज़ें मुख्य बताई गई कि नियत कर्तव्य को करणीय मान के करता है, इसलिए नहीं करता कि इसको करने में मन लग रहा है, बड़ा मज़ा आ रहा है, ये मेरी हॉबी से मैच कर रहा है, आई लाइक डूइंग दिस, दिस इज़ माई फेवरेट थिंग टू डू। वो ये नहीं सोचता है कि मेरा फेवरेट क्या है, मुझे अच्छा क्या लगता है, वो ये सोचता है कि व्हाट इज़ द नीड ऑफ द आवर, गुरु परंपरा की डिमांड क्या है, क्या इच्छा है, वो चाहते क्या है, उसको करने के लिए तत्पर हो जाता है। क्योंकि ये नियत कर्म है, इसको करनी, यही करनी है। हाँ, जो अपनी इच्छा के अनुसार विमसिकली कुछ नहीं करता, उसको जब मनुष्य नियत कर्तव्य को करनी है मान के करता है, समझ मारे, जब हम जैसे माना बड़ी धाम जा रहे हैं, धाम जाना कहीं बड़ा अच्छा लगता है, धाम में जा रहे हैं लेकिन नियत कर्तव्य समझ के जा रहे हैं कि गुरु परंपरा ने इसको प्रेस्क्राइब्ड किया हुआ है, इसलिए मुझे ये धाम यात्रा करनी चाहिए। हाँ, इस प्रकार की यात्रा जिसमें कि हमारे सीनियर जा रहे हैं, हमें रिकमेंड कर रहे हैं, ना, इस प्रकार की यात्राएं क्या हो गई, वो हो गई नियत कर्म, हो गई इस प्रकार से जो कर्म करता है। हाँ, ना कि वो जो बड़ी अपनी इच्छा के लिए यहाँ जाएंगे या कुछ थोड़ा सा मूड ऑफ चेंज ऑफ मूड हो जाएगा, ये करेंगे वो करेंगे। तो कई सारे काम हम अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए करते हैं, हमें लगता है कि हम स्पिरिचुअल काम कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में वो नियत नहीं है, नियत कर्म नहीं। इसलिए ये करता है, नियत कर्तव्य को करनी मन की करता है, और भौतिक आसक्ति संगति और फल की आसक्ति को त्याग देता है, तो उसका त्याग सात्विक है। ये त्याग की बात कर रहे हैं हम। कई लोग तो अभी इस लेवल पे आए नहीं है कि कुछ त्याग कर सकें, वो तो प्रारंभिक अभी अवस्थाओं में, नो प्रॉब्लम, अभी वो केवल श्रवण करें। लेकिन जो वस्तु व्यक्ति आगे बढ़ना चाहता है और त्याग करना चाहता है, उसको अपना घर बार त्यागने की ज़रूरत नहीं है, बता रहे। त्यागने की क्या ज़रूरत है? उसको केवल नियत कर्तव्यों को करणीय मान के करना है और भौतिक संगति को त्याग देना है। भौतिक संगति को त्याग देने का भी मतलब ये नहीं है कि परिवार को या मित्रों को छोड़ देना है, लेकिन उनमें आसक्ति, जो संबंध हमें इस रास्ते में आगे जाने में रोकते हैं, उन संबंधों के प्रति आसक्ति को त्यागना है, वो भी केवल। लेकिन इस संसार में जैसे मैंने बताया था, कुछ देह के लेवल के कर्तव्य होते हैं, उन देह के लेवल के कर्तव्य को भी वो करता रहता है बड़े अच्छे तरीके से। जैसे पांडवों ने राज्य चलाया, पांडवों की कोई इच्छा नहीं थी, वो केवल भगवान के साथ रहना चाहते थे। कुंती महारानी तो कह रही थी कि भगवान आप कहाँ जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, अब तो सब है ना, अब क्यों जाइए, इससे अच्छे तो कष्ट आ जाए मेरे जीवन में। यानी कि उनको साम्राज्य नहीं चाहिए था, लेकिन फिर भी उन्होंने साम्राज्य चलाया, क्योंकि भगवान की ऐसी इच्छा थी कि ऐसे राजा बने जो संसार में शासन चलाएं और कृष्ण भावनामृत का प्रचार करें। तो इसलिए भगवान से दूर रहकर, भगवान द्वारका चले गए, ये लोग वहीं रह गए। हाँ, इंद्रप्रस्थ में इन्होंने अपना फिर धीरे धीरे आगे राज्य बढ़ाया। तो दे वो कभी चाहते नहीं थे इस चीज़ को, लेकिन कर्तव्य समझ के किया। उसी तरह से संसार में हम रहते हैं, कई सारे, कई लोग बिजनेस करते हैं, नौकरी करते हैं, परिवार चलाते हैं,
हाँ, लेकिन उनका उद्देश्य भगवान की प्रसन्नता होती है, उनकी आसक्ति इन चीज़ों में नहीं होती। तो ऐसी आसक्ति को त्याग के नियत कर्मों को जो करता है उसके त्याग को सात्विक कहते हैं। होप इट वॉज क्लियर, ऑल दो इट इज़ लिटिल बिग कॉम्प्लिकेटेड, वेरी डीप सब्जेक्ट, जितना इसमें गहरा जाया जाए उतना कम है। तो जितना जितना समझ में आया, समथिंग सम प्रोग्रेस विल डेफिनेटली हैपन। हरे कृष्ण, श्री प्रभुपाद की जय, भगवद्गीता की जय।